हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग स्नैपचैट पे कैसे कोई अगर फ़ोटो या वीडियो हम लोग क्लिक करते हैं तो उस पर टाइमर कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप भी चाहते हैं स्नैपचैट ऐप पे कभी आप फ़ोटो या वीडियो क्लिक कर रहे हो तो उस पर कैसे फ़ोटो उस पर कैसे टाइमर हम लोग लगा सकते हैं, तो इसके लिए गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। अगर वीडियो भी स्टेप मिस हो गया तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कैसे टाइमर उस पर सेट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस, थैंक यू। तो इसके लिए ऐप ओपन कर लेना होगा हम लोगों को, स्नैपचैट ऐप। अभी हमारा स्नैपचैट ऐप ये है, इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद ये हमारे सामने, हम कोई भी एक फ़ोटो लेते हैं तो ये आप गाइस देख रहे हैं, ये डायरेक्ट सेव हो गया। लेकिन हम चाहते हैं गाइस इस पर टाइमर लग जाए, के लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को सिंपली बैक वाली डिस्कार्ड कर देना है। क्या प्लस का आइकन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये फोर्थ ऑप्शन मिलेगा टाइमर का, आपको ये प्लस पे क्लिक कर देना। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऊपर ही ऑप्शन आ गया प्लस वाले आइकन का, अब इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको जितनी देर का टाइमर चाहिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 10 सेकेंड तक आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। तो मैं गाइस इसमें 3 सेकेंड का टाइमर सेट करे दे रहा हूँ। ये मैंने 3 सेकेंड का टाइमर सेट कर दिया। अब इस पर गाइस ये देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। अभी गाइस सेट हो गया, ये हमारा फोटो क्लिक हो गया है गाइस। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।